नागपुर के आराध्य दैवत प्राचीन स्वयंभू गणेश मंदिर टेकड़ी स्टेशन रोड में नव संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर शुक्रवार को काफी संख्या में भक्त दर्शनार्थ पहुंचेंगे। प्रतिवर्ष यहां तल चतुर्थी पर यात्रा का भव्य स्वरूप प्राप्त होता है, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए भक्तों को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। कोरोना नियमों को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्धों एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ में लाने की मनाही की गई है। उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भक्तों द्वारा जो पूजा की सामग्री लाई जाएगी उसे पूजा सामग्री संकलन केंद्र पर जमा करना होगा। तिल चतुर्थी को देखते हुए संस्थान की ओर से आकर्षक सजावट एवं विद्युत साज सज्ज भी की गई है। मंदिरातर्फे कोरोना नियमाचे पूर्ण पालन करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे। भक्तांना विनंती करण्यात येत आहे की ऑनलाइन दर्शन घेण्याचा प्रयत्न करावा आणि लहान मुलांना आणि वयस्कर लोकांनी मंदिरामध्ये येण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण कोरोना नियमांना त्यांना उल्लंघन होईल, त्या जेणेकरून असे कोणी भक्तांनी प्रयत्न करू नये आणि सर्वांनी शांतपणे दर्शनाचा घ्यावा। ज्यांच्याजवळ व्हॅक्सिनेशनचं सर्टिफिकेट असेल त्यांनी व्हॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट घेऊन यावं, जेणेकरून त्यांना सोडताना त्रास होणार नाही आणि जास्तीत जास्त गर्दी होणार नाही याचा आम्ही प्रयत्न करू। आणि सर्व भक्तांची दर्शनाची सोय केलेली आहे। प्रसाद आणि हा जो लोकांचा असतो हार फुलं हे आम्ही मैदानातच जमा करणार आहे, फक्त भक्त दर्शनाला येतील। भक्तों के लिए 300 किलो रेवड़ी का प्रसाद एवं 300 किलो तिल के लड्डू का प्रसाद वितरित किया जाएगा। पत्र परिषद में इस संबंध में जानकारी मंदिर संस्थान के अध्यक्ष विकास लिमय, सचिव संजय जोगलेकर ने दी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।